Friends, how are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So, yesterday we have done the converting milliliter to liter. हमने कल क्या किया था? कल हमने किया था milliliter से liter में convert करना किया था. I hope the concept was clear. And today our topic is addition and subtraction of capacities. सबसे easy topic है आज का. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो आपको आता है, कैपेसिटीज को करना है. मीन्स लीटर एंड मिलीलीटर में हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. जैसे आपने पहले मीटर्स में भी किया है, मीटर सेंटीमीटर में, किलोग्राम ग्राम. अब हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसमें है? कैपेसिटीज में. कैपेसिटीज मतलब लीटर एंड मिलीलीटर में. तो फर्स्टली वी विल डू एडिशन. एडिशन सपोज वी हैव 37 लीटर 250 मिलीलीटर. 37 लीटर 250 मिलीलीटर को हमें ऐड करना है किसके साथ? 40 लीटर 320 मिलीलीटर. तो हम इसको ऐड करेंगे. ऐड में हम ऐड क्या करते हैं, कोई भी नंबर ऊपर नीचे लिख सकते हैं, बट हम सबसे पहले कॉलम मेंटेन करते हैं. कॉलम कैसे? लीटर्स वाले के नीचे लीटर्स एंड मिलीलीटर्स के नीचे मिलीलीटर्स लिखते हैं. सो 37 लीटर 250 मिलीलीटर, सॉरी लीटर्स के नीचे 37 है और यहाँ पर 40 लीटर्स 320 मिलीलीटर्स. अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड. क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट, तो एडिशन करेंगे. 0, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 7 and 4, 3, 7. So our answer is 77. Answer क्या होगा हमारा? 77 liter 570 milliliter. Clear? Addition में हम क्या करते हैं, वैसे ही column बनाएंगे liter and milliliter का. Column put करके उसके अंदर column में हम वैल्यूज पुट करेंगे, लीटर्स की लीटर्स में, मिलीलीटर्स की मिलीलीटर्स में. देन ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा? लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में. क्लियर? वी टेक अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव 8 लीटर 580 मिलीलीटर एंड नेक्स्ट नंबर इज 12 लीटर 240 मिलीलीटर. अब हमने इसको प्लस करना है. फर्स्टली वी राइट इन अ कॉलम. हम सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे लीटर एंड मिलीलीटर. सो हेयर इज 8. तो जब हमारे पास 8 सिंगल वैल्यू है तो हम आगे 0 लिख लेते हैं ताकि हमारा ऊपर नीचे का बैलेंस क्लियर रहे. सो 580 मिलीलीटर. नेक्स्ट इज 12 लीटर एंड 240 मिलीलीटर. देन वी एड, हम इसको अब ऐड करेंगे. 0, 8, 4, 12, 2 हेयर 1 कैरी ओवर हेयर, 5, 2, 7 एंड 1, 8, 8 और 2 10, 10 एंड 0 हेयर 1 कैरी ओवर हेयर, 1 एंड 1, 2. सो वी हैव 20 लीटर्स 820 मिलीलीटर. तो हमारे पास क्या आंसर आया? 20 लीटर्स 820 मिलीलीटर. सिंपल है, कोई ऐसे आपको बहुत टफ नहीं है. सिर्फ इसमें क्या करना है, हमें लीटर मिलीलीटर का कॉलम्स में बना के लीटर की वैल्यू लीटर के उसमें लिखनी है, मिलीलीटर की मिलीलीटर में. देन हमें इसको ऐड करना है और ऐड में हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं वैल्यूज को. कि अगर ये वाली वैल्यू हम पहले लिख रहे हैं तो हम पहले ये लिख सकते हैं, अगर हमें ये पहले लिखनी है तो हम ये भी पहले लिख सकते हैं, पर हम एडिशन में ऊपर नीचे वैल्यूज लिख सकते हैं. क्लियर? टू सब्ट्रैक्शन. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट में हम कैसे करते हैं? सपोज वी हैव 7 लीटर 650 मिलीलीटर. फ्रॉम सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम होता है ताकि फ्रॉम जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं और पहले वाले नंबर को हम बाद में लिखते हैं. 34 लीटर 750 मिलीलीटर. अब हमारे क्या है, सब्ट्रैक्शन है 7 लीटर 650 मिलीलीटर फ्रॉम 34 लीटर 750 मिलीलीटर.
तो सबसे पहले वी राइट इन अ कॉलम्स, हम कॉलम में लिखेंगे लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में। फ्रॉम है तो सबसे पहले हम बड़ी वाली वैल्यूज को देख के लिखते हैं। फ्रॉम होता है तो हम नेक्स्ट नंबर को पहले लेते हैं, 34750, देन 7650। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारी सब्ट्रैक्शन है। सो 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 6 इज 1, 4 7, 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, सो वी बोरो 1 फ्रॉम 3। सो हम यहां से बोरो कर लेंगे, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 माइनस 7 इज 7 एंड 2 माइनस 0 इज 2। सो आर आंसर इज, आर आंसर इज 27 लीटर 100 मिलीलीटर। क्लियर है? फ्रॉम लिखा होता है तो हम पहले सेकंड वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, देन हम फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं। मगर आप सब्ट्रैक्शन में ये भी ध्यान रखना कि जो बिगर वैल्यू होगी हम पहले उसको लिखेंगे और छोटी वैल्यू को, स्मॉल वैल्यू को बाद में लिखेंगे। फिर हम लीटर्स के नीचे लीटर्स लिखेंगे, मिलीलीटर्स के नीचे मिलीलीटर्स लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, देन आर आंसर 27 लीटर 100 मिलीलीटर। क्लियर? वी टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 12 लीटर 540 मिलीलीटर एंड हियर 35 लीटर, सॉरी फ्रॉम 35 लीटर 780 मिलीलीटर। अब फिर से देखिए कि फ्रॉम है, फ्रॉम में क्या करेंगे, हम सेकेंड वाला नंबर पहले लिखेंगे। फर्स्टली वी राइट इन अ कॉलम, कॉलम में लिखने के लिए बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं, 35 लीटर 780 मिलीलीटर, देन 12 लीटर 540 मिलीलीटर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 4 इज 4, 7 माइनस 5 इज 2, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2। सो आर आंसर इज 23, आर आंसर इज 23 लीटर 240 मिलीलीटर। बस कैपेसिटी में ये होता है कि हम लीटर मिलीलीटर्स लेते हैं, और लेंथ में मीटर सेंटीमीटर ये सब होता है, एंड जो आपका मास था, मास में आपका किलोग्राम और ग्राम होता है। तो समझ में आ गया, बाकी पैटर्न वही होता है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही होता है जैसे आप पहले से करके आ रहे हैं, बस आपने कैपेसिटीज में ये देखना होता है कि लीटर कहाँ लिखा है, मिलीलीटर्स कहाँ लिखा है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स नोटबुक, ओ सॉरी मैथ्स बुक, पेज नंबर 141, एक्सरसाइज 8.7, एक्सरसाइज 8.7, पेज नंबर 141, राइट योर डेट 29/10/20। फर्स्ट क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग कैपेसिटीज, एट द फॉलोइंग कैपेसिटीज। सो पहले हम इसको ऐड करेंगे, 0000, 314 एंड 628। हेयर वी हैव 8 लीटर 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर। आर नेक्स्ट सम इज 0 एंड 5 5, 8 एंड 5 13, 3 हेयर 1 कैरी ओवर हेयर, 2 1 3 एंड 1 4, 8 0 8 एंड 1 18, 18 लीटर 435 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या आंसर आया, 18 लीटर 435 मिलीलीटर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कैपेसिटीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 10 अब यहाँ 0 है और यहाँ 1 है,
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 10 और यहाँ पे 0, सो 10 माइनस 7 इज 3, सो आर आंसर इज 3 लीटर 221 मिलीलीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज 0 माइनस 0 इज 0, अब यहाँ 4 है यहाँ 8 है, सो वी बोरो 1 फ्रॉम हेयर एंड हेयर इज 4 एंड हेयर इज 14, 14 माइनस 8 इज 6 एंड 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 3 माइनस 1 इज 2, सो हेयर वी गेट 23 लीटर 160 मिलीलीटर। क्लियर। सो स्टूडेंट, जैसा कि पता है आपको कि हम 2 क्लास में करते हैं, बाकी आप लोग अपने घर पे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ये आपका आज लास्ट टॉपिक था। वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी, आपके सिलेबस में नहीं है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट इन सिलेबस, वो आपने नहीं करनी है। इसके बाद जो आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको आपने वर्कआउट में क्वेश्चन 4 तक आपने कर लिया था, आप होमवर्क में क्या करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। किस पे करेंगे, नोटबुक में करेंगे, और ये आज आपका होमवर्क है। योर टुडेज होमवर्क इज वर्कआउट क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, पेज नंबर 143 पर है, आपने ये नोटबुक में करना है। प्लीज डू इन योर नोटबुक और प्लीज डू योर वर्क नीटली। सो स्टूडेंट्स, टुडेज आर मेजरमेंट चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट एंड प्लीज वर्क नीटली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।